आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बदलते मौसम के साथ हमारी स्किन जो रूटीन है वो भी चेंज हो जाती है। समर में इस्तेमाल की जाने वाली स्किन केयर जो हम फॉलो करते हैं, इस रूटीन को हम विंटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरीके से विंटर के जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो रूटीन होती है, हम प्रोडक्ट होती हैं, इसको हम समर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। विंटर का जो वाइटनिंग का जो रुझान है लोगों में, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं आजकल के दौर में लड़के प्लस लड़कियां भी। अपनी हमारी स्किन जो है ग्लास स्किन हो और ब्राइट हो, इन तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। YouTube पर के हज़ारों वीडियोस मिलती हैं जहां आपको रेमडीज़ बताई जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी रेमडी बताऊंगी जो आपकी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स का खात्मा करेगी और आपकी स्किन को ग्लास स्किन प्रोवाइड करेगी। तो आए इस रेमडी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। जी तो यहाँ पे एक बॉल लेंगे छोटा सा, और इसमें जो मैं इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेचुरल हैं और तो विंटर के हैं। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सबसे पहले मैं लूँगी ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन हम लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे मैं एक चम्मच लूँगी ग्लिसरीन का, ये आपने ऐड कर देना है। तो ये जो ग्लिसरीन है ये हर क्रीम में तकरीबन इस्तेमाल की जाती है, हर सर्दियों की जो क्रीमें उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और साथ ही मैं बादामों को ऑयल लूँगी, एक चम्मच हम ये ऑयल का ऐड कर देंगे। तो देखिए मैं आपको साथ साथ बोतल भी दिखा रही हूँ कि आप भी इस तरीके से लेके घर में चीज़ें रख सकते हैं और ख़ुद तैयार कर सकते हैं। नेचुरल चीज़ें होती हैं, इस तरह से अगर आप घर में बना के अपनी स्किन केयर करें तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोशन बना सकते हैं, काफ़ी सारी रेमडीज़ हैं जो हम बना के अपनी स्किन के लिए रख सकते हैं, क्रीम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो ये आप चाहें तो मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेशियल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हनी है, यहाँ पे एक चम्मच में हनी का ऐड कर दूँगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे किचन में मौजूद होती हैं, इसलिए मैं आपको आसान टोटके बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना पड़े, आपके घर में मौजूद चीज़ों से आपकी स्किन केयर हो जाए ईज़िली। ज़्यादातर हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेने नहीं जा सकते, तो हम चाहते हैं कि घर में जो चीज़ें हैं वही हम इस्तेमाल कर ले सकें। तो किचन के इंग्रेडिएंट्स से हम बताएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास शुगर है, शुगर आप चाहे तो थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, मेरी थोड़ी सी मोटी है तो आप थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर सकते हैं अगर आपके पास भी इस तरह की है। तो यहाँ पर आप देखें दूध रॉ मिल्क लिया है, आप चाहें तो दही भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स करके अपने हाथों पर, गर्दन पर और चेहरे पर मसाज करें, इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, बहुत ही लोगों ने पसंद की है ये रेमडी मेरी। तो यहाँ पे मेरे पास रोज़ वाटर है, ये भी आपने ऐड करना। ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, ये हैं अच्छी बहुत ही ज़बरदस्त रेमडी। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी, स्किन वाइट होगी, ग्लास स्किन होगी इसके मसाज से। तो आराम से आपने मसाज करना है और 10-15 मिनट बाद आपने चेहरे को धो लेना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपके मिलेंगे। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, उससे पहले आप 5-10 मिनट पहले ये इस्तेमाल कर सकते हैं रेमडी, और बहुत ही अच्छे आपकी स्किन जो है शाइन करेगी, ग्लोइंग करेगी और स्किन भी वाइट भी होगी। बहुत ही अमेजिंग रेमडी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी और कमेंट्स भी करके मुझे बताया करें। अगर आपको मेरी रेमडीज़ पसंद आती है तो बहुत शुक्रिया। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।